जिना हाउस जलाओ घराव केस लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद समेत 9 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई हैं। इसी पर बात करेंगे अरशद अली से। जी अरशद बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो 9 मुलजिमान की जमानतों को मंजूर कर लिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जुवेद ने जो है वो मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की है। मुलजिमान में सनम जवेद, शाहबानो, कासिम बल्द, लियाकत और इसके साथ साथ अफशा तारिक, अली हसन, मुबीन कादरी जो है वो शामिल हैं। मुलजमान को 1-1 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने के बाद रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है अरशद, आपका बहुत शुक्रिया। जिना हाउस जलाओ घराव केस लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद समेत 9 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई हैं। इसी पर बात करेंगे अरशद अली से। जी अरशद बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो 9 मुलजिमान की जमानतों को मंजूर कर लिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जुवेद ने जो है वो मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की है। मुलजिमान में सनम जवेद, शाहबानो, कासिम बल्द, लियाकत और इसके साथ साथ अफशा तारिक, अली हसन, मुबीन कादरी जो है वो शामिल हैं। मुलजमान को 1-1 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने के बाद रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है अरशद, आपका बहुत शुक्रिया। जिना हाउस जलाओ घराव केस लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद समेत 9 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई हैं। इसी पर बात करेंगे अरशद अली से। जी अरशद बताइए। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो 9 मुलजिमान की जमानतों को मंजूर कर लिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जुवेद ने जो है वो मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की है। मुलजिमान में सनम जवेद, शाहबानो, कासिम बल्द, लियाकत और इसके साथ साथ अफशा तारिक, अली हसन, मुबीन कादरी जो है वो शामिल हैं। मुलजमान को 1-1 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने के बाद रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है अरशद, आपका बहुत शुक्रिया।